हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहतो आयरा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो और मैं फिर से एक और वीडियो साथ आ चुका हूँ फ्रेंड। और गाइस, जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था गाइस, आप लोग का पीएमजीसी में यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे इवेंट आएंगे। तो गाइस फाइनली आज एक और यहाँ पे आप लोग का इवेंट आ चुका है, जहाँ से गाइस आप लोग को बता दूँ कि बिल्कुल फ्री में आप लोग को यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे पीएमजीसी का पैराशूट का स्किन मिलेगा। साथ में गाइस यहाँ पे आप लोग को टाइम लिमिटेड प्लेन का स्किन जो कि पीएमजीसी का होगा, उसके अलावा गाइस यहाँ पे आप लोग को प्रीमियम क्रेट, उसके अलावा गाइस यहाँ पे आप लोग को और भी काफ़ी सारे क्रेट मिलेंगे जो कि गाइस पीएमजीसी एक्सक्लूसिव होगा। तो गाइस यार आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि गाइस आप लोग को अच्छे से इस इवेंट समझ में आ सके। और गाइस कैसे क्या कुछ करना होगा पूरा डिटेल में आप लोग को बताऊंगा। डाउट नॉट गाइज, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, सोल्व नहीं हो पा रहा, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बिहार या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईटी जी नीट या क्लास 30 से 12वीं का हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउट नेट में। साथ ही डाउट नेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउट नेट ऐप डाउनलोड कीजिए। सो के अगर यहाँ पे तो सबसे पहले आप लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी एक वीपीएन से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने वीपीएन से कनेक्ट करके रखा और गाइस यहाँ पे मैंने सिंपली गेम को ओपन कर लिया। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो ई स्पोर्ट्स सेंटर के जो ऑप्शन रहता है, सिंपली गाइस वहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है। और गाइस यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का आप लोग यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को राइट साइड में यहाँ पे देख सकते हो पीएमजीसी प्लेयर कार्ड करके आप लोग को एक न्यू इवेंट शो करेगा। तो सिंपली गाइज यहीं पे ऊपर में देख सकते हो राइट साइड में आप लोग क्लिक करना और देख सकते हो गाइज यहाँ पे आप लोग का एक हिडन इवेंट आज ही स्टार्ट हुआ, यानी कि 15 तारीख से लेके 26 तारीख तक चलेगा। और गाइज पहले आप लोग को चलो रिवार्ड दिखा देता हूँ, उसके बाद गाइज आप लोग को यहाँ पे यहाँ पे क्या रूल है, कैसे आप लोग करना है सब कुछ बताऊंगा। तो सिंपली गाइज स्टार्टिंग में देख सकते हो 4 आप लोग कोई भी रेंडम कार्ड मिलेगा पहले। और गाइज उसके बाद यहाँ पे रिवार्ड की बात की जाए तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे आप लोग को 800 टिकट, मतलब यहाँ पे 800 पॉइंट में देख सकते हो ये परमानेंट आप लोग को पीएमजीसी का यहाँ पे आप लोग को पैराशूट का स्किन, उसके अलावा यहाँ पे 5 दिन के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये प्लेन का स्किन मिलेगा, या फिर गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये पीएमजीसी का प्रीमियम क्रेट मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो पीएमजीसी 2020 क्रेट आप लोग चाहते हो ले सकते हो, या फिर गाइस यहाँ से आप लोग सप्लाई स्क्रैप कूपन। और लास्ट में गाइस यहाँ पे नीचे में जाओगे तो गाइस यहाँ पे आप लोग को एक ग्राफिटी दिखेगा। अब चलो गाइस बताता हूँ कि ये सारा रिवार्ड आप लोग को कैसे बिल्कुल फ्री में यहाँ पे मिलेगा, क्या रूल है, क्या कुछ आप लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो गाइस अगर यहाँ पे बेसिकली रूल्स की बात की जाए तो गाइस यहाँ पे ये 15 तारीख से लेकर 26 तारीख तक चलेगा, यानी कि गाइस लगभग आप लोग का ये 11 से 12 दिन का इवेंट है। और गाइस यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग काफी सारे प्लेयर दिखेंगे, यानी कि प्रो प्लेयर दिखेंगे जो कि गाइस यहाँ पे पीएमजीसी में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वही सारे प्लेयर आप लोग को यहाँ पे शो करेगा। और गाइस उसमें क्या करना है कि आप लोग को इसमें से कोई भी 4 प्लेयर को यहाँ पे आप लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पे चारों प्लेयर को सेलेक्ट करके आप लोग को यहाँ पे एक अपना हिसाब से टीम बनाना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पे जैसे आप लोग टीम बना लोगे उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग को 3 यहाँ पे मतलब मैच खेलना पड़ेगा। एक्चुअल में गाइस यहाँ पे मैच भी नहीं खेलना पड़ेगा, आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्या कुछ करना पड़ेगा। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे इन शॉर्ट में बात की जाए तो आप लोग यहाँ पे एक टीम बनाना पड़ेगा 4 प्लेयर को सेलेक्ट करके, और गाइस उसी हिसाब से यहाँ पे आप लोग को पॉइंट मिलेगा, यानी कि टिकट मिलेगा। अब गाइस वो टिकट कैसे मिलेगा वो भी आप लोग यहाँ पे बता दूंगा थोड़े देर में। बाकी गाइस यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे रूल्स की बात की जाए तो गाइस यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोग जैसे यहाँ पे मैच खेलते जाओगे तो गाइस उसके हिसाब से आप लोग को और भी काफी अच्छे अच्छे मतलब प्रो प्लेयर आप लोग का और अनलॉक होते जाएगा। और गाइस जितना अच्छा यहाँ पे मतलब आप लोग का प्लेयर अनलॉक होगा उतना ज्यादा गाइस यहाँ पे आप लोग को टिकट मिलेगा। तो डेफिनेटली गाइस ये काफी अच्छा वाला आप लोग का मतलब यहाँ पे इवेंट है। और गाइस यार यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोग जैसे यहाँ पे मैच खेलते जाओगे तो गाइस यहाँ पे आप लोग को कुछ भी रेंडम प्लेयर मिलेगा। और गाइस मान लीजिए बार बार कोई प्लेयर यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप लोग का रिपीट होगा तो गाइस उसके बदले में आप लोग को यहाँ पे कुछ फ्रेगमेंट करके मिलेगा। और गाइस वही फ्रेगमेंट से आप लोग चाहो तो यहाँ पे अच्छा अच्छा जो प्रो प्लेयर रहता है उसको गाइस यहाँ पे आप लोग रिडीम कर पाओगे। तो डेफिनेटली गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। तो चलो गाइस अब यहाँ पे पहले आप लोग को बताता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे कैसे आप लोग को यहाँ पे 4 प्लेयर का एक टीम बनाना पड़ेगा और कैसे खेलना पड़ेगा और गाइस कैसे आप लोग को यहाँ पे टिकट मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो पहले आप लोग को माई क्रू करके जो ऊपर में ऑप्शन दिख रहा है
वहाँ पे जाना पड़ेगा। और देख सकते हो गाइज बीच में आप लोग को क्रिएट मतलब क्रू करके ऑप्शन दिख रहा है। और गाइज यहाँ पे क्या करना है देख सकते हो, जो चेंज करके आप लोग को चारों में ऑप्शन दिख रहा है चार प्लेयर के नीचे में, तो गाइज वहाँ पे क्लिक करते जाना। और गाइज यहाँ पे फिलहाल के लिए देख सकते हो कुछ प्लेयर आप लोग को स्टार्टिंग में दिखेगा, तो गाइज इसमें से कोई भी प्लेयर मतलब आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। लेकिन गाइज यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आप लोग यहाँ पे लगे कि हाँ थोड़ा अच्छा प्लेयर है उसी को गाइज यहाँ पे सेलेक्ट करना। और बाकी गाइज यहाँ पे देख सकते हो उसका स्टेटिस्टिक्स भी आप लोग को यहाँ पे शो करेगा। और गाइज यानी यहाँ पे बता दूं कि डेफिनेटली आप लोग को स्टार्टिंग में गाइज यहाँ पे अच्छा अच्छा प्लेयर तो देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज स्टार्टिंग में आप लोग को थोड़ा यहाँ पे जो लोअर कैटेगरी का जो आप लोग का प्लेयर गाइज उसके साथ आप लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। और गाइज जैसे जैसे आप लोगों को मतलब यहाँ पे टाइम स्पेंड होते जाएगा, गाइज जैसे जैसे आप लोग का एक दिन दो दिन तीन दिन यहाँ पे होते जाएगा, उसी टाइप से गाइज यहाँ पे आप लोग का और अच्छा अच्छा प्लेयर अनलॉक होते जाएगा। और गाइज जितना अच्छा मतलब यहाँ पे प्लेयर रहेगा उतना ज़्यादा चांस गाइज कि आप लोग को ज़्यादा टिकट मिलेगा। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे जो ये चार प्लेयर का टीम बनाना, तो चलो गाइज यहाँ पे मैं जल्दी से कोई भी चार प्लेयर अभी फिलहाल के लिए सेलेक्ट करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैंने चार प्लेयर सेलेक्ट कर लिया। और गाइज यहाँ पे जैसे आप लोग ये चार प्लेयर को सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हो कंफर्म क्रू करके आप लोग का ऑप्शन दिखेगा। तो गाइज यहाँ पे क्या करना है इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को जो ये क्रू का जो पॉइंट है वो भी आप लोग को दिखा रहा है कि एक्चुअल में ये टीम का कितना कॉम्बैट पॉइंट हो रहा है। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ रहा है आप लोग का पार्टिसिपेट इन ए चैलेंज टूडेज चैलेंज 3x3, यानी गाइज आप लोग को हर दिन यहाँ पे तीन चैलेंज मिलेगा। और गाइज यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे नीचे में आप लोग को बीच में ऑप्शन दिख रहा है पार्टिसिपेट इन ए चैलेंज टूडेज चैलेंज 3x3। तो सिंपली गाइज वहाँ पे आप लोग क्लिक करना। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो गाइज यहाँ पे आप लोग का रेंडम यहाँ पे एक मैच ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो 17 मेरे को यहाँ पे टिकट मिला है। उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैंने 8 टीम को यहाँ पे मैंने डिफीट किया। और गाइज यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा टीम को मैंने यहाँ पे डिफीट किया वो बता रहा है। उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सा कार्ड मिला देख सकते हो वो भी मेरे को बता रहा है। यानी कि गाइज आप लोग को इसी टाइप से हर दिन यहाँ पे तीन तीन मैच खेलते जाना पड़ेगा। और गाइज यहाँ पे कुछ भी रेंडम आप लोग देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सेकंड टाइम में मेरे को अगेन 17 टिकट मिला है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने कौन से टीम को यहाँ पे डिफीट किया और कौन कौन सा मेरे को यहाँ पे प्लेयर अनलॉक हुआ देख सकते हो गाइज, ये सारा कुछ आप लोग को यहाँ पे शो करेगा। तो बेसिकली गाइज इसी टाइप से आप लोग को यहाँ पे खेलते जाना है। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सा प्लेयर आप लोग का अनलॉक हो रहा है वो भी आप लोग को यहाँ पे दिखाते जाएगा। तो डेफिनेटली गाइज यहाँ पे आप लोग बस यही करना है कि हर एक प्लेयर को यहाँ पे सेलेक्ट करते जाना और थोड़ा सा यार आप लोग ध्यान से सेलेक्ट करना गाइज ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट मिल सके। तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 मैच खेल लिया, अब चलो गाइज यहाँ पे तीसरा मैच जल्दी से खेलता हूँ। तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे मैंने मतलब 10 टीम को इस बार डिफीट किया और गाइज यहाँ पे मेरे को 19 यहाँ पे मतलब पॉइंट मिला और 4 यहाँ पे देख सकते हो गाइज अगेन मेरा यहाँ पे प्लेयर अनलॉक हो चुका है। अब गाइज यहाँ पे देख सकते हो टोटल मिला के मैंने आज का 3 मैच खेल लिया है और गाइज यहाँ पे मेरे को 53 पॉइंट मिल चुका है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो 53 पॉइंट में मैं चाहूँ तो जो जो चीज़ यहाँ पे गाइज यहाँ पे पॉइंट है देख सकते हो उस हिसाब से मैं यहाँ पे रिडीम कर सकता हूँ। यानी कि गाइज अभी मैं चाहूँ तो ये सप्लाई स्क्रैप कूपन, उसके अलावा यहाँ पे जो ग्राफिटी वो यहाँ पे मैं रिडीम कर सकता हूँ। बाकी गाइज जैसे आप लोग को ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट बढ़ते जाएगा तो गाइज आप लोग को यहाँ पे परमानेंट पैरासूट का स्किन भी मिल जाएगा। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो आप लोग का टाइम लिमिटेड यहाँ पे रिवार्ड भी दिख रहा है, जो कि गाइज यहाँ पे देख सकते हो टोटल लगेगा मान लीजिए आप लोग 71 प्लेयर को अनलॉक कर लेते हो तो गाइज यहाँ पे आप लोग को टाइम लिमिटेड अवतार फ्रेम भी मिलेगा। बाकी गाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे सिल्वर फ्रैगमेंट आप लोग यहाँ पे करके कुछ मिलेगा, जो कि गाइज मान लीजिए आप लोग को बार बार यहाँ पे रिपीट कोई प्लेयर होगा तो उसके बदले में ये फ्रैगमेंट मिलेगा। और गाइज यही फ्रैगमेंट से आप लोग चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो गाइज ऊपर में अच्छे अच्छे आप लोग को प्लेयर दिख रहे हैं, जैसे कि यार यहाँ पे देख सकते हो ये BTR का मतलब जो गाइज यहाँ पे प्लेयर है वो दिख रहा है आप लोग को। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो आप लोग का RRQ एथिना का यहाँ पे जो प्लेयर है वो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे जो भी आप लोग का मतलब प्लेयर रिपीट होगा तो उसके बदले में आप लोग को फ्रैगमेंट मिलेगा। और गाइज उसी फ्रैगमेंट से आप लोग चाहते हो यहाँ से अच्छे अच्छे प्लेयर को यहाँ पे रिडीम कर सकते हो। और गाइज वही प्लेयर को आप लोग क्या करना यहाँ पे मैच में लेकर जाना। और गाइज उससे क्या होगा कि आप लोग को हो सकता है गाइज कि एक एक दिन में आप लोग को, जैसे कि अभी मेरे को फिलहाल के लिए 53 पॉइंट मिला, हो सकता है गाइज कि अगर मान लीजिए आप लोग अच्छे अच्छे प्लेयर को लेकर जाओ तो गाइज आप लोग को यहाँ पे 80 90 या 100 पॉइंट भी एक एक दिन में मिलेगा। और गाइज बता दूं कि जब आप लोग का 21 तारीख को यहाँ पे जो फाइनल टूर्नामेंट होगा PMGC का, उस टाइम पे गाइज आप लोग को और एक्स्ट्रा यहाँ पे मैच खेलने का टाइम मिलेगा। यानी कि गाइज यहाँ पे आप लोग को और एक्स्ट्रा मैच खेलने का मौका मिलेगा आप लोग को 21 तारीख को 22 तारीख को 23 तारीख को और 24 तारीख को, यानी कि 4 दिन आप लोग को यहाँ पे और एक्स्ट्रा मैच खेल पाओगे। तो डेफिनेटली गाइज 21 22 23 और 24 ये 4 दिन गाइज आप लोग यहाँ पे 100% है कि गाइज आप लोग यहाँ पे मतलब जाना और गाइज यहाँ पे और एक्स्ट्रा मैच खेल लेना, जिससे गाइज आप लोग को और यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। और गाइज लास्ट तक आप लोग कोशिश करना कि आप लोग गाइज यहाँ पे जो परमानेंट पैराशूट का स्किन है वो आप लोग यहाँ से रिडीम कर पाओ। और गाइज मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को स्मार्टली खेलना पड़ेगा,
कोशिश करना पड़ेगा कि आप लोग यहाँ पे अच्छा अच्छा प्लेयर लेकर मैच खेलो। तो यस गाइस बेसिकली यही था, बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में इकोनिटी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।